सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उनको लोग नेताजी के नाम से भी जानते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। वह बचपन से ही देशभक्त और अंग्रेजों के शासन का विरोध करते थे। उन्होंने कोलकाता से प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वहां से उन्हें राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन भारत के लिए काम करने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। वह युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष के पक्षधर थे और असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। असहमति के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपना संगठन किया, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए। उन्होंने वहां भारतीय सैनिकों के साथ साथ लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा जय हिंद आज भी भारत में बहुत लोकप्रिय है। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान हादसे में कथित तौर पर निधन हो गया। उनकी मृत्यु को लेकर आज भी कई तरह के मत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका देश प्रेम और बलिदान भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।